असलम डियर स्टूडेंट्स एज योर आर अवेयर कि हम मिनरल मिनरल्स पढ़ रहे हैं लास्ट के लेक्चर में हमने कैल्शियम पढ़ा था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉस्फोरस फॉस्फोरस एक इंट्रा सेल्यूलर आयन है दैट इट्स प्रेजेंट विद इन द सेल फॉस्फोरस सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मिनरल है हमारी बॉडी में जैसा कि आपने पढ़ा कैल्शियम जो है दैट्स द मोस्ट एबेंडेंट कैल्शियम फर्स्ट नंबर पे है हमारी बॉडी में एंड कैल्शियम के बाद हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा सबसे अबंडेंट मिनरल जो है दैट इज फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉडी की हर सेल में पाया जाता है इट्स प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी एडल्ट एक एडल्ट बॉडी में ऑलमोस्ट वन के जी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है वन के जी फॉस्फेट प्रजेंट होता है और उसमें से जो एट्टी परसेंट है एट्टी परसेंट फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है और जो टेन परसेंट है एट्टी परसेंट तो बोन्स और टीथ में प्रेजेंट है टेन परसेंट जो है डेट्स फाउंड इन मसल्स एंड ब्लड एट्टी परसेंट बोन्स और टीथ्स में होता है विद कैल्शियम टेन परसेंट मसल और ब्लड में होता है और जो वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वेरियस केमिकल कंपाउंड्स में नाउ व्हाट आर फंक्शंस ऑफ फॉस्फोरस इन आर बॉडी जैसे कि मैंने अभी कहा फॉस्फोरस एट्टी परसेंट होता है बोन्स और टीथ में सो so, फॉस्फोरस की बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये कि इट इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ बोन्स और टीथ की ग्रोथ के लिए फॉस्फोरस बहुत एसेंशियल है फॉस्फोरस स्ट्रेंथ देता है हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ It also forms high energy compounds like ATP. Phosphorus leads to the synthesis of high energy compound like ATP head, GTP, had, adenosine triphosphate, gonosine triphosphate. ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसफोलिपिड्स फॉसफो प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स फॉसफोलिपिड्स फॉसफो प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डी एन ए आर एन ए ये वो सारे कंपाउंडस हैं जिनमें फॉसफोरस प्रजेंट होता है सो फॉसफोरस इन इनकी फॉर्मेशन के लिए फॉसफोलिपिड्स फॉसफो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत मस्ट है इम्पोर्टेंट है फॉसफोरस एक्ट करता है एज पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एनजाइम लाइक एन ए डी एन ए डी पी बहुत सारे प्रोटीन्स और एनजाइम्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं फॉस्फोराइलेशन से दैट इज़ वन फॉस्फोरस इज एडिड या इट हैज़ बफरिंग एक्शन ऑन ब्लड जो फॉस्फेट बफर सिस्टम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बी ब्लड में पी एच मेनटेन करने के लिए सो so, इसके अलावा भी बहुत सारी फंक्शंस है हमारी बॉडी में फॉस्फोरस की

आप कितना कैल्शियम लोगे क्योंकि जो मोस्ट ऑफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द जो नेचुरल फूड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें कैल्शियम और फॉस्फेट वन इज टू वन रेशियो में पाए जाते हैं यानी कि जितना उनमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है उतना उनमें फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है सो so, जब आपकी डाइट में कैल्शियम प्रेजेंट होगा सो यू लाइकली गेट फॉस्फोरस एज वेल सो अगर हम एडिक्यूट अमाउंट uh, लेंगे कैल्शियम का तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली फॉस्फोरस भी पहुंचेगा देन सोर्सिस किन किन चीजों में फॉस्फोरस पाया जाता है मिल्क चीज़ सीरियल्स लीफी वेजिटेबल्स मीट एग्स बीफ या इसके अलावा भी बहुत सारे फूड्स है जिनमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है देन एब्जॉर्प्शन फॉस्फेट की फॉस्फोरस की एबजॉर्पशन जूनम में होती है अगर आपको याद होगा कैल्शियम की एबजॉर्प्शन कहाँ पे होती थी ड्यूडनम में कैल्सिट्रोल दैट्स द एक्टिव फॉर्म ऑफ वाइटामिन डी और एसिडिटी दैट मीनस लो पी एच ये फेवर करते हैं ये प्रमोट करते हैं फॉस्फेट की एब्जॉर्बन को और फाइटेट्स जो है वो इनहिबिट करते हैं वो डिक्रीज करते हैं एब्जॉर्बन ऑफ फॉसफेट दैन एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन अबाउट फाइव हंड्रेड एम जी फॉस्फेट एक्सक्रीट होता है यूरिन के साथ पर डे रीनल थ्रेशोलोल्ड इज टू एम जी पर डेसीटर दैट मीन इस कंसेंट्रेशन से ज्यादा टू एम जी पर डेलीटर अगर इस कंसंट्रेशन से ज्यादा हुआ फॉस्फेट हमारे ब्लड में सो उसके बाद किडनीज विल बिगिन टू रिमूव इट इन द यूरिन देन सिरम फॉस्फेट अभी जैसा कि मैंने कहा टेन परसेंट स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि टेन परसेंट जो फॉस्फेट है दैट्स प्रेजेंट इन ब्लड एंड मसल्स लेकिन ब्लड में बहुत कम क्वांटिटी होती है सिरम में या यू कैन से प्लाज्मा में उसमें मेजॉरिटी जो फॉस्फेट है वो प्रेजेंट होता है ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स में जो कि कैल्शियम में इसका रिवर्स था वहाँ पे प्लाज्मा में ज़्यादा था ज़्यादा होती है कैल्शियम लेवल और सेल्स में जो ब्लड सेल्स है उनमें कम होती है यहाँ पे सिरम में ही ज़्यादा होती है और सॉरी सिरम में बहुत कम लेवल होती है और ब्लड सेल्स में हाई लेवल होती है सो so, फॉसफेट लेवल ऑफ होल ब्लड इज अराउंड फोर्टी एम जी पर डेसी होल ब्लड में 40 एम होता है पर डेसी लेकिन सिरम में या प्लाज्मा में फास्फोरस लेवल सिर्फ और सिर्फ होती है 2.5 पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट फाइव एम जी में और 4 टू 7 एम होता है चिल्ड्रन में सो बहुत कम क्वांटिटी होती है सिरम में देन डिजीज स्टेट यानी कि अगर हमारे ब्लड में फॉस्फेट लेवल ज़्यादा हो गई या हमारे ब्लड में फॉस्फेट लेवल कम हो गई नॉर्मल लेवल से फर्स्ट वन हाइपर फॉसफेट हाइपर एबाउ फॉस्फेट इट रेफर्स टू फॉस्फेट एंड टीमिया मीन्स ब्लड सो हाई लेवल ऑफ फॉस्फेट इन ब्लड लेवल मोर देन नॉर्मल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा फॉस्फेट की लेवल होना ब्लड में उसको हम कहते हैं हाइपर फॉस्फेटीमिया ये किस किस कंडीशन से हो सकता है ये किस वजह से हो सकता है व्हेन देयर इज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस व्हेन देयर इज इंक्रीज सेल लीसिस व्हेन देयर इज डिक्रीज एब्जॉर्ब डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फोरस या कुछ ड्रग्स भी होते हैं जिनकी वजह से हाइपर हो सकता है या क्रॉनिक नेफ्राइट्स में भी होता है सिम्टम्स इसमें जब माइल्ड माइल्ड हाइपरफॉस्फेटिमिया होता है तो उसके सिम्टम्स वो एसिम्टोमेटिक होता है लेकिन सीवियर में कुछ सिम्टम्स uh, होते हैं फॉर एग्जांपल टेटनी सिजर्स बोन 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 पेन होती है देन वी हैव हाइपोफॉस्फेटिमिया मीन्स डिक्रीज बिलो द नॉर्मल लेवल जब सिरम में या प्लाज्मा में फॉस्फेटीमिया की लेवल नॉर्मल से कम होगी दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोफोसफेटीमिया ये कब कब हो सकता है ये जब डिक्रीज एब्जॉर्बशन होगी फॉस्फोरस की दैट विल बी इन्माल न्यूट्रिशन या क्रॉनिक डायरिया होगा वाइटामिन डी डेफिशेंसी होगी उस वजह से हो सकता है या इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन होगा फास्फोरस का या कुछ ड्रग्स है हाइपर पैराथायरॉइडिज़म हाइपर कैल्सीमिया रिकेट्स उन सब में भी हाइपोफॉस्फेटिमिया हो सकता है इसमें भी सिम्टम्स माइल्ड हाइपोफॉस्फेटीमिया कोई सिम्टम्स नहीं होंगे बट सीवियर में सीवियर हाइपोफॉस्फेटीमिया में मसल वीकनेस होगी ऑस्टियोमलेशिया किडनी डैमेज हाइपर लॉस ऑफ एपिटाइट्स ये कुछ uh, ये कुछ सिम्टम्स हैं uh, जब सीवियर हाइपो होगा सो दैट वॉज ऑल इन फॉस्फोरस थैंक यू अल्लाह हाफिज़